हेलो दोस्तों, गति मोशन के क्लास वन में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी बुक में अध्याय चैप्टर नंबर 8 है। क्लास नाइन्थ भौतिकी फिजिक्स के इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे गति के प्रस्तावना को डिटेल्स में, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे हमारे आसपास गति यानी मोशन और विराम यानी रेस्ट की चीज़ें, दूसरा सापेक्षता यानी रिलेटिविटी में गति और हमारे अनुभव एक्सपीरियंस, तीसरा विभिन्न यानी डिफरेंट तरह की गति करती हुई चीज़ें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जिनमें कुछ चीज़ें विराम रेस्ट में होती हैं और कुछ चीज़ें गति मोशन में होती हैं। जैसे पेड़ों पर बैठे पक्षी बर्ड्स विराम में हैं और उस पक्षी का पेड़ पर से उड़ जाना गति है। उसी तरह पानी में तैरती मछलियां गति में हैं और जब वह मर जाती है तो स्थिर यानी विराम अवस्था में चली जाती हैं। क्या आप इस रेड फिश को पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं तो इसका नाम हमें ज़रूर बताएं। इस फिश पे एक मूवी बनी हुई है जो बहुत ही बेहतरीन मूवी है। अगर आप लोगों को उसका नाम मालूम है तो हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गति और विराम के और भी उदाहरण हैं, जैसे हमारे शरीर में नसों में भी खून का पड़वा गति है और खून का जमना विराम है। सड़क पर चलती गाड़ियां गति में हैं और जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो वह रुक जाती है यानी विराम में हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते फिर भी वह गतिमान है, जैसे सूक्ष्मतम कणों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और बड़ी चीज़ों की बात करें तो हमारा यह आकाशगंगा, उसमें मौजूद तारे धूमकेतु एस्टेरॉयड ग्रह यानी प्लैनेट उपग्रह सभी गतिमान हैं। गति सापेक्ष यानी रिलेटिव भी होता है, ये वो रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं। यहाँ पे रिलेटिव यानी सापेक्ष का मतलब एक दूसरे की तुलना में है, एक का दूसरे से तुलना है। जैसे गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान करती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि वास्तव में पेड़ पौधे अपने स्थान पर विराम में हैं, स्थिर है वो, रेस्ट में है। वहीं सड़क किनारे खड़े किसी इंसान के लिए बस में बैठे यात्री गतिमान हैं, जबकि वास्तव में यात्री बस में विराम में हैं, लेकिन बस गतिमान है जिसमें यात्री सवार हैं। अगर आपने कभी रेलगाड़ी में सवार हुए होंगे तो आपने रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई महसूस होती है, जबकि असल में रेलगाड़ी विराम अवस्था में थी और हमारे पास से गुजरने वाली ट्रेन गति में थी, जिसकी वजह से वह ट्रेन जिसमें हम बैठे हैं गतिमान लगता है और हम गति में हैं ऐसा अनुभव होता है। दूसरी ओर हमारे पास से गुजरने वाली रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों ने भी खुद को गतिमान में अनुभव किया होगा। तो दोनों रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों के अनुभव में फ़र्क इतना है कि एक का अनुभव सच्चा है और दूसरे का अनुभव सच्चा नहीं है, दूसरे का अनुभव मात्र उसका भ्रम है। तो दोस्तों, महसूस होना या अनुभव करना गलत भी हो सकता है। चीज़ों की गति भी अलग अलग तरह की होती है, यानी चीज़ें गति अलग अलग तरह से करती हैं। जैसे सूरज से हम तक पहुंचने वाली रोशनी सीधी रेखा में रेखीय गति लीनियर मोशन करती है। उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर घूमना वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन है। सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन है। इसके अलावा कोई एक साथ एक से ज़्यादा तरह की गति में भी हो सकता है, जैसे बचपन में हम साइकिल के टायर चलाते हुए उसके पीछे भागा करते थे। इसमें साइकिल की टायर गोल होने की वजह से अपने पथ पर वृत्तीय गति करती है, यानी वह रोड पर वृत्तीय गति कर रही है और रोड का समतल होने की वजह से वह एक सरल रेखा में रेखीय गति यानी लीनियर मोशन भी कर रहा है। एक वस्तु का एक से ज़्यादा तरह से गतिमान होने के उदाहरण में हमारा यह पृथ्वी भी है, जिस पे हम सभी रहते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, जिसे परिक्रमण यानी
रिवॉल्यूशन कहते हैं और यह अपने अक्ष एक्सिस पर भी घूमती है, जिसे रोटेशन यानी घूर्णन कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हर चीज़ की गति निश्चित होती है? क्या हमारी भी गति निश्चित है? तो इसका जवाब है नहीं, हर चीज़ की गति निश्चित नहीं होती और हमारी गति भी निश्चित नहीं है। क्लास में पढ़ाता हुआ एक शिक्षक कभी एक स्थान पर खड़े होकर विषय वस्तु को एक्सप्लेन करता है तो कभी स्टूडेंट के पास जाकर उसकी समस्याओं को सुलझाता है। तो आइए दोस्तों, इस कक्षा में अब हम कुछ चीज़ों की परिभाषाओं को जान लेते हैं, जैसे विराम और गति के बारे में हम उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। विराम रेस्ट यानी समय के साथ स्थान में परिवर्तन न हो तो ऐसी स्थिति को विराम कहते हैं। उसके बाद है गति यानी मोशन, समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति को गति कहते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने गति की प्रस्तावना इंट्रोडक्शन को डिटेल्स में जाना और उसमें आए शब्द विराम और गति की परिभाषाओं को भी जाना। अगली क्लास में हम एक सरल रेखा में गति और विभिन्न प्रकार के गति के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा यह क्लास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।